तो अगर आपके एक से ज़्यादा गूगल अकाउंट बने हुए हैं, आपको किसी गूगल अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना है, तो कैसे आप गूगल अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर सकती है, इसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आप किसी भी गूगल अकाउंट को परमानेंट कैसे डिलीट कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आप जीमेल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पर जीमेल के लोगो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जीमेल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पे डाटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सबसे नीचे की तरफ आ जाइए, तो आपको यहाँ पे डिलीट योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर एक और ऑप्शन है, डिलीट आ गूगल सर्विस। आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको सबसे नीचे की तरफ क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको मोर ऑप्शन में मिलेगा। मोर ऑप्शन में आपको डिलीट गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अभी आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको दोनों टर्म को एक्सेप्ट करके डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो लो जी, हो गया हमारा गूगल अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट। तो अगर आपसे पासवर्ड पूछा जाए, तो बस पासवर्ड डाल दीजिएगा, तो आपका गूगल अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको गूगल अकाउंट रिकवर करना हो, तो यहाँ पे रिकवर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने आपको समझाने के लिए अपना गूगल अकाउंट डिलीट किया है, तो चलिए मैं इसको रिकवर कर लेता हूँ और आप भी देख लीजिए गूगल अकाउंट कैसे रिकवर करते हैं। तो रिकवर अकाउंट पे क्लिक करना है, अपनी वही ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपकी जीमेल आईडी का जो भी पासवर्ड था, पासवर्ड डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका गूगल अकाउंट रिकवर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में आपने जाना कि आप गूगल अकाउंट को कैसे डिलीट करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे।